जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के झगरहा आईटी कॉलेज के ठीक सामने। और यहां पर हाल ही में जो है लोकसभा चुनाव की मतगणना जो है वह लगभग समाप्त हो गई है। और कहा जा रहा है कि कोरबा कांग्रेस सांसद प्रत्याशी श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने विजय हासिल कर ली है। आइए जानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में किस तरह के उल्लास है और कितने मतों से जो है अभी जो है उनको विजय प्राप्त हुई है। उनके कर्मठ कार्यकर्ता हमारे पास मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्षेत्र के जो कांग्रेस कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, जो जो है जमीनी स्तर पर कार्य करते रहे हैं, लगातार गांव-गांव और कस्बों-कस्बों तक जाकर एक एक घरों का दरवाज़ा खटखटाकर कांग्रेस की योजनाओं, कांग्रेस के जो क्रियाकलाप है, तमाम चीज़ों को जो है वह गाँव वासियों को, घर ग्रामीण वासियों को बताया है। और किस तरह से अभी आप कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा अभी यहाँ पर जो है कहाँ पर आप लोग मौजूद हैं? अभी हम लोग मतगणना स्थल पर हैं। अच्छा, तो अभी लगभग सारे चरण जो है, कितने चरण के अभी यहाँ पर मतगणना हुई? लगभग पूरे चरण पूरा हो गया है। कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी जो हैं ज्योत्सना चरणदास महंत जी, उनको विजय हासिल हुई है। क्या आप लोगों ने किस तरह के कार्य किए क्षेत्र में, किस तरह से? सर्वप्रथम आप सबों को बहुत बहुत बधाई। एक छोटे छोटे कार्यकर्ता, बड़े से बड़े कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में आप लोग विजिट किए, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सबों को जो है किस तरह के आप लोगों ने चर्चाएं की, ताकि जो लोग जो है, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि अन्य क्षेत्रों में भाजपा को कई सीटें जो है हासिल हुई हैं, किंतु कोरबा जिले में आप कांग्रेस को जो है जीत हासिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम शशि लता पांडे है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस की जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि माननीय हमारी जो सांसद थी ज्योत्सना चरणदास महंत जी, वो कोई मतभेद नहीं करती किसी के साथ। वो हर महिला को बोलती है कि आप लोग जो हो ज्योत्सना चरणदास महंत हो, आप राहुल गांधी की ताकत हो, सोनिया जी की ताकत हो। अच्छा, यह बताइए कि अभी जो है 18 चरण समाप्त हुए, तो कितने मतों से वह आगे थी? लगभग ये नहीं बता पाऊंगी मैं, लेकिन हर जगह से हमें विजयी, मतगणना के अनुसार हम विजयी हो रहे हैं। और ये मेहनत है कार्यकर्ताओं का, और उनकी महानता है जो कार्यकर्ताओं को बिल्कुल किसी भी प्रकार से भेदभाव बिना। क्या कुछ ऐसी चीजें थी जो आप लोग गांव में जा जाकर, गांव मैंने देखा है कि जहां पर रास्ते भी नहीं थे वहां भी आप महिलाएं पुरुष मिलकर अपनी टीम बनाकर गए हैं, तो क्या कुछ ऐसी चीजें थी, क्या कुछ ऐसी योजनाएं, क्या ऐसा चीज था जो आप लोग रखती थी ग्रामवासियों को, क्या कुछ समझाइश दिया आपने, क्या कुछ बताया है कि इस तरह से उलटफेर हुआ है कोरबा जिले में? वो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, जमीनी स्तर के लोग हैं, वो आर्थिक संपन्नता विपन्नता को जान गए हैं, महंगाई को जान गए हैं। और हमारा संविधान, हमारा लक्ष्य है, उनका कहना है जाति भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम कांग्रेस पुरानी सरकार को, हम कांग्रेस की सरकार पुरानी सरकार को हम मतदान करना चाहते हैं। चलिए, यह तो जो है तय हो गया है कि यहाँ पर कोरबा की सांसद प्रत्याशी ज्योत्सना महंत जी जो है विजय हासिल कर चुकी हैं। जल्द ही यहाँ पर घोषणा हो जाएगा, उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान कर दी जाएगी। फिलहाल जानते हैं कि एक और कार्यकर्ता हमारे पास कांग्रेस के मौजूद है। क्या कुछ आप सब ने जो है क्षेत्र में जाकर वक्तव्य रखे, किस तरह की समझाइश, किस तरह की बातों को रखा कि इस तरह से कोरबा जिले में उलटफेर हुआ? सबसे पहले सर्वप्रथम आप सबको बधाई कि आप सब जो है बेहतर कार्य का ही नतीजा है कि आज कांग्रेस कोरबा जिले में जो है जीत के मुकाम को हासिल कर पाई है। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम प्रभा सिंह तंवर है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ महिला कांग्रेस ग्रामीण से, और कटपोरा जनपद की सभापति भी हूँ। अच्छा, तो क्या कुछ ऐसी चीजें थी, कुछ विशेष ऐसी चीजें थी जो आप लोग लगातार क्षेत्र में, ग्राम क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रखे हैं, जिससे आज कोरबा जिले में विजय जो है कांग्रेस की हुई? अभी हमारे ग्रामीण एरिया में, शहर का तो नहीं बोली लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, हर एक जनता, हर महिला, हम लोग घर घर जाके उनको इतना जानकारी दिए हैं। हम लोग ट्रेनिंग करके नहीं आए हैं, बीजेपी वाले बोल रहे थे कि आप लोग ट्रेनिंग करके आए हैं, लेकिन अभी जो मान लीजिए कि जो भी अभी जीत जो हासिल हुई है, उस पर कुछ विशेष ट्रेनिंग हुई है क्या आप सबको? मतलब ऐसा कोई विशेष बात हुआ है क्या?
विशेष नहीं, उनके नहीं। साथ साथ ही साथ मतलब उनके साथ में जुड़े रहना, हर सुख दुख में उनका साथ देना, हर सुख दुख को जानना, और अंतिम व्यक्ति, समाज के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग मिले हैं जाके। हमारा यही लक्ष्य है कि समाज का अंतिम व्यक्ति असहाय लाचार विवश जो रहता है उसको भी हम लोग अपने साथ में चलते हैं, अपने काम में चलते हैं, उनका काम सहयोग करते हैं हम लोग। जिलेवासियों ने आप कांग्रेस पर विश्वास जताया है, पुनः आप सब जो है इस बार कांग्रेस सांसद प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत को चुना है, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे आप सर? उनके लिए क्या कहना चाहिए? धन्यवाद कहती हूँ मैं, आभार है उनके लिए जो फिर से पुनः ये संगठन को, कांग्रेस पार्टी को, ज्योत्सना महंत जी को, ज्योत्सना चरणदास महंत जी को पुनः सांसद के रूप में स्थापित किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मतदाताओं। धन्यवाद आपका। यह थी कांग्रेस के कार्यकर्ता श्रीमती शशिलता पांडे जी, और इनके वक्तव्यों को हम सबों ने सुना। निश्चित तौर पर कोरबा सांसद प्रत्याशी चरणदास महंत कांग्रेस से जो है विजय हासिल कर चुके हैं, कितने मतों से उनको विजय हासिल हुई है जस्ट तुरंत ही यहां पर जो है अनाउंसमेंट हो जाएगी, उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा। कांग्रेस में कोरबा जिले में कांग्रेस ने उलट पलटवार किया है और पुनः जीत हासिल की है। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती, जय हिंद।